चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रिक्शनलेस वायर ए बी इज फिक्स्ड ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, अ वेरी स्मॉल स्फेरिकल बॉल स्लिप्स ऑन दिस वायर, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्लिप फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले ए से बी तक ये फ्रिक्शनलेस है, पहले क्वेश्चन में कह दिया। अब मोशन अगर इधर हो रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे लगेगी, लेकिन इस डायरेक्शन में मोशन है तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट जी का लेना होगा, तो इस डायरेक्शन में जी कॉस थीटा होगा। अच्छा, ए बी और ए सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ए बी और ए सी के बीच में रिलेशन होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, करेक्ट है। और ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा, ए सी की वैल्यू टू आर के इक्वल होगी, ए सी की वैल्यू टू आर के इक्वल होगी, रेडियस अगर आ रहा है तो ए सी टू आर होगा, कॉस एक क्यों नहीं लिख रहा है, कॉस थीटा, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू टू आर कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो फॉर्मूला अगर यूज करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ए बी, यहां मैंने ए बी लिख दिया एस की जगह, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट को यानी जो स्फेरिकल बॉल है उसको ड्रॉप किया जाता है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये जीरो हो गया हाफ, और एक्सेलरेशन कितना होगा, जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू टू आर कॉस थीटा है, तो ध्यान से देखो दोनों तरफ कॉस थीटा है, कॉस थीटा कट जाएगा, टू आर इज इक्वल टू वन बाई टू जी टी स्क्वायर, या टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर बाई जी, इसका मतलब है टी इज इक्वल टू टू अंडर रूट में आर बाई जी होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।